ये एक विंडो एसी और हम इसे कन्वर्ट करेंगे एक पोर्टेबल एसी में। तो हेलो एवरीवन, ना आप लोग देख रहे हैं FOWS। स्पीड एसी हो या फिर विंडो एसी, उनको फिक्स करवाना एक अलग केस है, लेकिन कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें एसी का काम है टेम्पोरेरी, तो इसके लिए आती है पोर्टेबल एसी, लेकिन वो होती है महंगी। तो हम लोग ऐसा क्या जुगाड़ लगाएं कि हम लोग अपनी विंडो एसी को एक पोर्टेबल एसी बना दें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही ट्राई करने वाले हैं। एग्जांपल के लिए ये एसी आंगन में रखी हुई है और ऊपर है एक बड़ी सी ग्रिल, लेकिन ग्रिल चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर एसी आंगन में है तो एसी के आसपास का पूरा एरिया गर्म हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे से आती है गर्म हवा। तो अगर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना है तो हमें किसी भी तरीके से एसी से निकलने वाली गर्म हवा को बाहर लेके जाना है। पहले मेरा प्लान था कि इस प्रोजेक्ट को प्लाई से बनाया जाए, लेकिन प्लाई से खर्चा ज्यादा आता और अगर प्रोजेक्ट कहीं फेल हो जाए तो पैसे भी बर्बाद होते। तो मैंने सोचा क्यों ना घर में पड़े हुए खाली एसी के बॉक्सेस का ही यूज करके इस प्रोजेक्ट को बनाया जाए। अगर सक्सेसफुल हो गया तो बहुत बढ़िया, फेल हो गया तो भी कोई बात नहीं। हमने यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन यूज किया है जो कि एसी के पीछे से प्रोड्यूस होने वाली गर्म हवा को पाइपलाइन के जरिए बाहर भेजने के लिए काम आएगा। यहाँ पे मैंने इसका कटआउट निकाला, 6 इंच का फैन है और इसे जिप टाई की मदद से अच्छी तरीके से कस दिया। एसी के पीछे से निकलने वाली गर्म हवा आसानी से फैन की तरफ जाए, इसलिए मैंने दफ्ती को देखिएगा ध्यान से हल्का टिल्ट लगाया है। अब गर्म हवा दफ्ती में टकराएगी और फैन की तरफ ही डाइवर्ट होगी, इस बात का ध्यान रखा गया है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो पार्ट वन का काम है जो कि इस एसी से जुड़ा हुआ है वो लगभग कंप्लीट हो गया है और कंप्लीट होने ही वाला है। यहाँ पे जो मुझे अभी एक मेन प्रॉब्लम लग रही है वो है इस फैन का साइज। हो सकता है ये फैन आगे चल के छोटा पड़े। आगे बनाने से पहले एक बार फैन को टेस्ट कर लेते हैं और ये देखिए फैन अच्छी तरीके से चल रहा है बिना किसी दिक्कत के, यानी कि अब हम लोग इसको पैक कर सकते हैं पूरी तरीके से। अंदर से फैन कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे इसके राइट साइड में थोड़ा दफ्ती लगाने में दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ पे गर्म हवा पीछे के साथ राइट से भी निकलती है, तो हमें राइट वाला हिस्सा भी अलग तरीके से पैक करना होगा। इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, जितनी अच्छी तरीके से हो पाए उतनी अच्छी तरीके से हमें एसी के पीछे निकलने वाली गर्म हवा को बाहर भेजना है। अगर पीछे की गर्म हवा ब्लॉक हो गई तो एसी के जलने का खतरा होगा, एसी के खराब होने का भी खतरा होगा, इवन एसी में आग भी लग सकती है। तो बहुत ध्यान से हमें इस प्रोजेक्ट को करना है। तो हमने इसका राइट वाला पोर्शन, राइट वाला बम्प बना दिया है, यानी कि अब जो गर्म हवा इसके राइट से निकलने वाली होगी वो भी इस चैम्बर में आ जाएगी और चैम्बर के जरिए हम लोग उसे बाहर निकाल देंगे। काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा है, ऐसा लगा कि पता नहीं कौन सा बम्प निकल आया है अपने एसी को। और ये देखिए हमारा फैन भी तैयार है। एक बार ऐसा करते हैं एसी को अभी ऑन करके देखते हैं और देखते हैं क्या सीन देखने को मिलता है। और ये किया मैंने ऑन, अभी बाकी का हिस्सा तैयार नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे एसी को करते हैं ऑन। अरे अरे ये तो ऑटोमेटिक चलने लगा, अभी तो मैंने इस फैन को ऑन भी नहीं किया है, खुद चल रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रेशर से हवा आ रही है, ये खुद ही इस फैन को चला रही है। अब मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा है खुद ही घूम रहा है, इसको लगाने की जरूरत थी या नहीं थी, लेकिन उम्मीद है इसको जब पावर देंगे तो थोड़ा ये मदद करेगा। कंप्रेसर ऑन हो गया और यहाँ से हमें गर्म हवा मिल रही है और एसी तो डेफिनेटली ठंडी हवा दे रहा है, लेकिन हमें इस गर्म हवा को भेजना है कमरे के बाहर। आपको कंप्रेसर की आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी, ये देखो यहाँ पे अभी फैन खुद से चल रहा है और यहाँ पे मैंने कनेक्शन दे दिया इसको। अब देखते कनेक्शन देने का कोई फायदा मिलता है या नहीं। आप लोग आवाज़ को ध्यान से सुनना, इस समय डायरेक्ट फैन चल रहा है इसकी खुद की हवा से और ये मैंने किया बटन को ऑन और आप लोग देख सकते हैं हवा तेज हो गई है, यानी कि जब हम इसको पावर दें तो डेफिनेटली थोड़ा हेल्प जरूर से कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा डर लग रहा है, इसे बंद करते हैं और एसी को भी करते हैं बंद। और ये है जुगाड़ गर्म हवा को बाहर भेजने का, ये एल्युमिनियम पाइप है, ये काम आता है चिमनी वगैरह में। आगे के प्लान में दिक्कत ना हो तो यहाँ पे मैंने एक बैटरी का बॉक्स लिया है, उसमें चौको हिस्सा काट के एक और एग्जॉस्ट फैन लगा दिया है इसके अंदर। इसके बाद हमने इसके अंदर गोल हिस्सा कट कर लिया है, इन केस अगर इसकी हवा जाने में बाहर प्रॉब्लम हो जाए तो ये सपोर्ट करेगा। यहाँ पे एल्युमिनियम पाइप में कनेक्ट कर दूंगा तो इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा जिससे बाहर गर्म हवा आसानी से निकल जाएगी इस वाले एग्जॉस्ट फैन के जरिए। उम्मीद है इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी अगर लगता है कि इससे काम नहीं चल पाया तो आगे की लाइन में हम लोग इस आउटर यूनिट को भी जोड़ देंगे। तो हमारा ये प्रोजेक्ट लगभग बनके तैयार है, बस कनेक्शन करना है, उसे टेस्ट करना है। एलेक्सा टर्न ऑफ फैन। तो यहाँ पे अभी मैं ये पाइप लगा देता हूँ और ये लग गया। तो इस पाइप को बहुत ही सावधानी से खींच के मुझे दरवाजे के बाहर निकालना है। इसकी लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाके इस पाइप को अमेजोन से मंगा सकते हैं। और ये हो गई एसी ऑन,
टेम्परेचर करते हैं 21। तो यहाँ पे हमारा जुगाड़ तो वर्क कर रहा है और गर्म हवा भी इससे बाहर जा रही है। आप लोग देखेंगे जब मैंने यहाँ पे इसका तापमान नापा तो 50 डिग्री के आसपास गर्म हवा है, और जब मैं बाहर जाके उस गर्म हवा को नाप रहा हूँ तो 55-56 डिग्री सेल्सियस की गर्म हवा है, यानी कि कूलर कूलिंग कर रहा है। और जब मैंने आगे से नापा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 19 डिग्री सेल्सियस की ठंडी हवा आ रही है। लेकिन ओवरऑल ये जुगाड़ इस कमरे के लिए वर्क नहीं करेगा, क्योंकि रीजन ये है कि यहाँ पे जो गर्म हवा जा रही है ये यहाँ से जा रही है, यहाँ से एंटर करती है ऊपर वाले हिस्से से, और यहाँ से एंटर करती है और यहाँ से एंटर करती है। इस वजह से जो ठंडी हवा है वो भी यहाँ इसी के साथ इसके अंदर जा रही है और गर्म हवा के रूप में बाहर निकली जा रही है। लेकिन ये जुगाड़ आंगन में जरूर से वर्क करेगा, क्योंकि आंगन में खुला होता है, ये वाला हिस्सा कमरे के अंदर रहेगा और ये वाला हिस्सा आंगन में रहेगा, तब ये जुगाड़ आंगन के पास वाले कमरे में वर्क कर सकता है। लेकिन बंद रूम में अभी ये जुगाड़ वर्क नहीं करेगा। अगर आपको बंद रूम में जुगाड़ को वर्क कराना है तब आपको यहाँ पे एक और सिस्टम लगाना होगा, ऐसे और एक और पाइप लगाना होगा जो कि बाहर से हवा खींच के लाएगा फ्रेश, और यहाँ से गर्म हवा भेजेगा और आपको इस वाले हिस्से से ठंडी हवा मिलेगी। गर्म हवा का पाइप है आंगन के ऊपर और ये पूरा सिस्टम लगा दिया गया है आंगन में। अब हम लोग इसे करेंगे टेस्ट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से पाइप को ऊपर बांधा गया है जुगाड़ से। यहाँ पे मैंने ज्यादा रिस्क ना लेते हुए एक और पाइप बनाया, वो भी दफ्ती का, और ये देखिए मैंने एक और पाइप को लगा दिया इसी के बगल में। एल्युमिनियम वाले पाइप के अंदर तो एग्जॉस्ट फैन है, लेकिन दफ्ती वाला पाइप नॉर्मल ऐसे ही है। कुछ तो हेल्प जरूर होगी गर्म हवा बाहर निकालने में इसकी वजह से। यहाँ पे आप इस सिस्टम को चलाते हैं और टेस्ट करते हैं, और ये देखिए रूम के अंदर एसी चल रही है और यहाँ पे हमें ठंडी हवा भी मिल रही है, और इससे आने वाली हवा का तापमान आप लोग देख सकते हैं करीब 15.7 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा मिल रही है, यानी कि एसी हमारी सक्सेसफुली काम कर रही है। और आप लोग ये भी देखिए रूम का तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, यानी कि एसी ने रूम को अच्छी तरीके से कूल कर दिया है। तो अभी तक तो हमारा ये जुगाड़ काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, रूम भी कूल हो गया है और एसी भी चल रही है बिना किसी दिक्कत के। तो जुगाड़ तो सक्सेसफुली काम कर गया, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। पहली कमी, जो फैन है कभी भी जल सकता है, कभी भी खराब हो सकता है। पता नहीं कौन सी कंपनी का फैन होगा जो इतना तापमान सहन कर पाएगा। अगर फैन तापमान सहन कर लेता है तो काफी हद तक हमारा ये जुगाड़ सक्सेसफुल भी है। और दूसरी कमी ये है कि अभी हम लोग इस प्रोजेक्ट को रूम के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं आप लोग कमेंट में बताओ। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, क्यों ना सिर्फ ठंडी हवा वाले हिस्से में पाइप लगा के उसे रूम के अंदर कर दिया जाए, बाकी की पूरी एसी ही बाहर रख दी जाए। क्या आप लोग चाहते हैं इस आइडिया पे भी काम किया जाए? अगर किया जाए तो कमेंट में बताना। हम लोग सिर्फ ठंडे वाले पाइप को रूम के अंदर जोड़ेंगे। तो अगर आपको आज का प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करो और लोगों के साथ शेयर करो, लेकिन इसे ट्राई मत करना। अगर आपको एसी के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इससे आपको भी नुकसान पहुंच सकता है और आपकी एसी भी खराब हो सकती है। बाकी एक्सपेरिमेंट कैसा था आप कमेंट में जरूर से बताना।